इनके लब रंगी की मिठाबल थी के जिसने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद अबू जफर खान, ईमेल में काफ़ी सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं, तो ज़्यादा सवाल पूछने वालों से अर्ज़ ये है कि एक वक्त में एक ईमेल में एक ही सवाल पूछा करें, क्योंकि जवाब देने के बाद इनबॉक्स खाली करना पड़ता है, तो इसलिए ईमेल को डिलीट कर दिया जाता है और आपके सारे ईमेल के फिर वो ज़्यादा जवाब भी चले जाएंगे और बहुत लंबा चौड़ा ईमेल हो जाता है, तो भी ठीक नहीं रहता। आपके जितने सवाल पूछे उनमें से ज़्यादातर की वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पर सर्च करके देख लें। सर्च करने का तरीका कई मर्तबा बताया जा चुका है। आपका एक सवाल ये है, क्या औलाद के बद अमल का जो है अजाब वो मरहूम वालिदैन को भी मिलता है या नहीं, यानी अगर औलाद कोई बुरे अमाल करती है तो इसका खामियाजा जो है बाद वफात उनके मरहूम वालिदैन भी भुगतेंगे या नहीं। तो इसमें दोनों किस्म की सूरतें हो सकती हैं, यानी बाद सूरतों में औलाद के बद अमल जितने भी हैं उनका अजाब जो है वो मिलेगा, वालिदैन भी उसमें हिस्सेदार होंगे और बाद में नहीं होंगे। दोनों सूरतें हो सकती हैं, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैयउन, यानी जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ इख्तियार नहीं करेगी। मतलब ये कि कोई भी शख्स अपने बुरे अमाल का जो है अजाब वो ख़ुद भुगतेगा, तो इसका मतलब ये है कि बाद वफात अगर वालिदैन के औलाद ने कोई ऐसा काम किया जिसमें वालिदैन का कोई भी दखल नहीं था, मसलन ये कि जैसे वालिद की वफात के बाद अगर औलाद ने जुआ खेलना शराब पीना शुरू कर दिया बुरी संगत में रहकर, तो इसका अजाब ये ख़ुद क़यामत के दिन औलाद जो है ना वो झेलेगी, इसका अजाब वालिद नहीं झेलेंगे। जैसा कि अभी मैंने कुरान पाक में बताया कि कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। इसी तरह अगर बेटा बेनमाजी रहा, नमाज उसने नहीं पढ़ी या नमाज कज़ा करता रहा, तो इसका भी गुनाह जो है ना ये भी एक बदअमल ही है, तो इसका गुनाह भी जो है वो वालिद के ज़िम्मे नहीं होगा, यानी कब्र में वालिद से इसकी नमाजों का हिसाब नहीं होगा, इसके गुनाह का ये वाला इस तरह से हिसाब नहीं होगा। अब एक सूरत वो कि जिसमें औलाद के बुरे अमाल का अजाब वालिद भी उसमें हिस्सेदार बनेंगे, वो ये हो सकता है कि जिस तरह सवाब जारिया होता है इसी तरह एक अजाब जारिया भी होता है, यानी वालिद ने किसी ऐसे काम में औलाद को दाखिल किया कि वो गुनाह का था और बाद दाखिल करने के वो इंतकाल कर गए, तो जब तक ये औलाद उसमें शामिल रहेगी तो इसका गुनाह भी वालिद के ज़िम्मे जाएगा। मिसाल के तौर पे वालिद ने कारोबार शुरू किया, वो कारोबार शुरू किया शराब का और उसी में अपनी औलाद को भी लगा दिया शराब के ख़रीदने बेचने में, अब बाद वफात वालिद अब जो औलाद इसकी ये कारोबार करती रहेगी, तो क्योंकि इसने काम शुरू करा गुनाह का तो इसका अजाब भी वालिद के ज़िम्मे रहेगा जब तक ये काम रहेगा। इसी तरह वालिद ने घर में कोई ऐसा मामला कर दिया, मसलन ये कि बेटे ने बीवी को तलाक दे दी थी और वालिद ने अपनी हट धर्मी की वजह से बीवी को जुदा नहीं होने दिया, मतलब अपनी बहू को, और ये कहा कि नहीं तलाक वगैरह इस तरह नहीं होती, आप साथ रहो, और अपने हुक्म से या बड़े होने के रोब की वजह से उनको साथ ही रहने पर मजबूर कर दिया और उनको साथ रखा, या ख़ुद अपनी अकल से फतवा देकर उनको साथ रखा, तो जाहिर है ये जब तक साथ रहेंगे तो इसका गुनाह भी जो है वो वालिद के सर रहेगा। इसी तरीके से अगर वालिद ने घर में कोई ऐसी बिदात ईजाद कर दी, कोई ऐसा अजाब जारिया, कोई ऐसा गुनाह का काम कोई रस्म के नाम पे ईजाद करा कि जिसमें बाद में सभी लोगों ने अमल किया, तो जब तक वो काम पर अमल होता रहेगा उसका अजाब वालिद को मिलता रहेगा। खुलासा यह है कि अगर कोई ऐसा काम है कि जो वालिद उसमें शामिल थे और वालिद के ज़रिए से वो काम हुआ है नाजायज़ और गुनाह का, और फिर वो होता ही रहा और उसके करने वाले या ईजाद करने वाले वालिद थे, तो फिर बाद वफात भी बंदे पे उसका अजाब और करने वालों के नाम आए आमाल में जो अजाब होगा उन सब की बराबर का अजाब इस बंदे को मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है, औलाद ने ख़ुद से कोई गुनाह का काम किया, तो फिर इसका अजाब जो है वालिद को नहीं मिलेगा। बहर सूरत औलाद के आमाल अच्छे हों या बुरे, इनकी खबर वालिदैन को बाद वफात यानी वालिद को होती है,
लिहाजा अगर औलाद बुरा काम करती है, गुनाह का काम करती है, तो इससे उनको तकलीफ़ पहुंचती है, कब्र में भी उनको इससे यानी रंज भी होता है, दुख भी होता है, और वो इससे आगाह भी होते हैं। तो लिहाजा जिनके वालिदैन वफात कर चुके हैं, आज अगर वो बेनमाजी हैं, तो इसकी ख़बर जो है उनके वालिदैन को है कि हमारी औलाद नमाज़ें कज़ा कर रही है और कितना सख्त गुनाह और अज़ाब में ये पढ़ने वाली है, क्योंकि वो तो देख चुके हैं, इसलिए उनको अब इसका तजुर्बा है। तो इसकी ख़बर उनको रहती है और दुख भी होता है, लेकिन वो अब कर कुछ नहीं सकते। तो इसी तरह अगर आप वालिद के हक़ में कोई नेक काम करते हैं, मसलन इसाले सवाब या उनके नाम से मस्जिद में पैसा देना या गरीबों को खाना खिलाना या न्याज फातिहा वगैरह की इसाले सवाब की तरकीब करना, तो इन नेक अमाल की भी ख़बर जो है वालिदैन को पहुँचती है और इसका नफ़ा भी पहुँचता है। लिहाजा वफात के बाद वालिदैन अपनी औलाद के अच्छे और बुरे अमाल से ख़बरदार किए जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अगर आप गुनाह करेंगे तो आपके वालिद कब्र में शर्मिंदा होंगे, उनको इस बात की ख़बर होती है कि औलाद ने नमाज कज़ा की हो, चोरी की हो, शराब पी हो, गालियां दी हो या छुप के कोई काम किया हो, तो इनको आगाह किया जाता है कि ये देखो आप जो औलाद छोड़ के आए थे उसने ये मामला अंजाम दिया। लिहाजा ऐसी सूरत में चाहिए कि मरहूम वालिदैन के लिए मगफरत की दुआ करें कसरत से, उनके नामाय माल में इसाले सवाब का कोई जरिया सवाब जारिया बनाए, उनके नाम से कोई इसाले सवाब नेक महफिल नेक मजलिस वगैरह का अहतमाम वक्त फ़वक्त पे करते रहें, ताकि उनकी रूह को आसानी हो, आपके अच्छे अमाल से उनको खुशी हो।